नमस्कार दोस्तों, इनवारो एकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल प्रूफ होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ स्क्रीनिंग स्टेप इन EIA। तो बेसिकली स्क्रीनिंग इसलिए की जाती है जिससे कि आपको ये पता चल सके कि फुल EIA की ज़रूरत है या नहीं है। जिन प्रोजेक्ट का इम्पैक्ट कम होता है उनको कंप्लीट EIA की आवश्यकता नहीं होती, और जिनके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं उनको जो है कंप्लीट EIA से होके गुज़रना पड़ता है। यही उद्देश्य है स्क्रीनिंग का। What is the mandatory notice period for public hearing? वैसे तो public hearing के लिए 45 days दिए जाते हैं, but इनमें से 30 दिन जो है वो basically public को दिए जाते हैं response submit करने के लिए। इसीलिए जो है minimum notice period जो है वो 30 दिन का होता है कि भाई आप 30 दिन के अंदर अंदर जो local लोग हैं वो उस प्रोजेक्ट के लिए अपनी रिस्पॉन्स दे सके जो उनके क्षेत्र में उनके एरिया में लगेगा। तो मिनिमम नोटिस पीरियड जो है एक महीने का है और टोटल डेज जो है 45 है। मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इन रिक्टर स्केल इज ए मेजर ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड एट द सोर्स ऑफ अर्थक्वेक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर है। विच वेवलेंथ कैन बी मोस्ट यूजफुल फॉर रिमोट सेंसिंग फ्रॉम सैटेलाइट इन क्लाउड कवर्ड कंडीशन। तो बेसिकली 1.4 माइक्रोन का जो वेवलेंथ है वो काफ़ी यूजफुल होता है आपके रिमोट सेंसिंग में जब क्लाउड कवर्ड कंडीशन होती हैं, क्योंकि जब क्लाउड कवर्ड कंडीशन होती हैं तो जो आपकी रेडिएशन आ रही होती हैं वो बेसिकली ब्लॉक हो जाती हैं, और इस तरीके से जो अर्थ पे फीचर्स हैं उनका डिटेक्शन जो है मुश्किल हो जाता है। बट जो ये आपकी 1.4 माइक्रोन की वेवलेंथ है ये नियर इंफ्रारेड रीजन में पड़ती हैं और ये काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि ये कम अफेक्टेड होते हैं क्लाउड कंडीशन की स्थिति में। Which one of the following helps to identify the object on aerial photographs on the earth surface? Signature शब्द जो है basically remote sensing में use होता है ये बताने के लिए आपका unique structure और spectral features of an object, ठीक है, या आपके earth पे located कोई भी feature। तो basically इसमें क्या होता है कि आपका जब electromagnetic radiations जो हैं वो reflect होती हैं ऑब्जेक्ट से, ठीक है, तो उन्हीं की हेल्प से जो है हम अपना एरियल फोटोग्राफ में उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है सिग्नेचर सही आंसर है। विच एक्वेटिक फंड इज यूज टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ पैडी क्रॉप अजोला पिनाटा। अजोला जो है बेसिकली आपका यूज़ किया जाता है स्पेसिफिकली राइस फील्ड में। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, नाइट्रोजन को इन्हांस करता है। ये कहा जाता है कि अजोला पिनाटा जो है लगभग 10 टाइम्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू जो अदर फ्री लिविंग आपके बैक्टीरिया के साथ में अगर उसको कंपेयर करें तो। ग्रीहा इज़ ए रेटिंग टूल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड बिल्डिंग्स। ग्रीहा यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट जो है ये एक रेटिंग टूल है जो बेसिकली आपकी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस के हिसाब से उनको रेटिंग देता है। ये बहुत सारे आपके क्राइटेरिया के बेस पे काम करता है, लाइक कि बिल्डिंग में बिल्डिंग एनर्जी एफिशिएंट है या नहीं, वाटर कंजर्वेशन कैसा है, वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, इंडोर इन्वायरमेंटल क्वालिटी कैसी है, इनके भी यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर को डिफरेंट डिफरेंट वेटेज दिया जाता है, फिर उससे जो है ओवरऑल एक रेटिंग बनाई जाती है।
इसेनिया, फुटिडा, लुब्रिकस, लुबेरस और यूद्रिस यूजेनिस जो है ये बेसिकली वर्मी कंपोस्टिंग में काम आने वाले अर्थवर्म स्पेशीज़ के नाम हैं। ये काफ़ी पॉपुलर स्पेशीज़ हैं जो वर्मी कंपोस्टिंग के काम में लाए जाते हैं इंडिया में। एम्बिएंट टेस्ट जो है बेसिकली ड्रिंकिंग वाटर में माइक्रोबियल क्वालिटी को चेक करने के लिए किया जाता है। एम्पियन बेसिकली मोस्ट प्रोबेबल नंबर जो है ये टेस्ट किया जाता है कि आपके पानी में माइक्रोबियल क्वालिटी कैसी है या माइक्रोब्स का क्या नंबर है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ड्रिंकिंग वाटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बीओडी वैल्यू ऑफ सीवेज इंडिकेट हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट ऑफ सीवेज। बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो बेसिकली इनडायरेक्टली आपको यही बताता है कि आपके वाटर सैंपल में या आपके सीवेज में कितना ऑर्गेनिक कंटेंट मौजूद है। तो बच्चों हमें उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रूफ होगी। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने हर स्लाइड पे दी हुई है आप लोगों को यही सजेस्ट करेंगे कि इसको नोट कर लेना है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, आने वाले जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड उनमें ये काफ़ी यूज़फुल प्रूफ होंगे। गॉड ब्लेस यू। जियो बच्चों।